नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले हल्द्वानी लिए चलेंगे। देखिए, हल्द्वानी में आज कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली और जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर विपक्षी विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष जयेशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैरिगेटिंग कूदकर यहां जिलाधिकारी कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन भेज दिया। देखिए, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली नाप का कोसी गोला जो करीब करीब 70-80 हजार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं। और अच्छे दिन लाने वालों ने हालत ये कर दिए, चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोड पे खाज ये है कि कानून व्यवस्था चौपट है। भाजपा के लोग जिन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बेटियों का यौन शोषण करने पे लगे हैं और फरारी में दाएं बाएं घूम रहे हैं। भाजपा उनको बचाने में लगी है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये जनाक्रोश आज सड़कों पर है। चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, आपका उधम सिंह नगर हो या आज हल्द्वानी में हो, ये बढ़ता जाएगा। ये इस प्रदेश के कोने कोने तक जाएगा जब तक इस सरकार को हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जो जातियाँ बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, नैनीताल जनपद में चाहे रक्षा नाला हो, चाहे कलशा नाला हो, चाहे बलदिया नाला हो, वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माइलॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिला प्रशासन आपके कई कार्यों को मिलना है, विशेष अधिकार हनन का विषय है, ये तो सदन में मैं लाऊंगा ही जिला प्रशासन के खिलाफ। अरे, कौन सी गलत फहमी में हो, दिमाग ठीक भी करना आता है और सही रास्ता भी दिखाना आता है, दोनों करेंगे। देखिए, लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या BDC मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इन सारे विषयों को देखते हुए जनाक्रोश रैली है। महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने राज्य में आई हुई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री धामी सहित प्रशासन की सराहना की।
उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में भीषण बारिश हुई है और इस वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरक गए थे और सड़क टूट गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सका है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में आपदा से बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। आपदा तो मौसम और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा शुरू होने से पहले ही 4 महीने पहले ही आपदा की तैयारी पूरे सरकारी तंत्र से प्रशासन और शासन के माध्यम से करनी शुरू कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा फीडबैक लेना, वहाँ कहाँ राहत सामग्री कैंप बनेंगे, कहाँ सड़कों के लिए हमें दूसरे उपमार्ग बनाने हैं, कहाँ से हम जो है फोर्सेज अलाट करनी है, कहाँ हमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज को रखना है। इस प्रकार से आपदा के संबंध में एक समुचित तैयारी लगभग विभाग ने की थी। उसी का परिणाम हुआ कि आपदाएं आई, लेकिन मनुष्य हानि पशु हानि बहुत कम संख्या में हुई है और जो वैसी हानि है उस पर तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सरकार ने जिस तरह से त्वरित गति से कार्य किया है उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस पता नहीं कहाँ बंद करके बैठी है कि उसे जो है आपदा में अपनी बातें याद नहीं आती, दूसरों की बातों को चर्चा करने पर मशगूल रहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विकासनगर, सैलाकुई, सहसपुर में बाहर से आ रहे लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ बाहर के लोग आकर यहां पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है और सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। चीज़ें इसमें स्पष्ट करूंगा कि एक तो कोई भी सरकारी भूमि है, इस पर किसी तरह का अतिक्रमण, किसी विभाग की भूमि है तो उस विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस्तियां बस रही हैं, तो उसको तत्काल पुलिस फोर्स ले उनको नोटिस दे और उसको हटा दिया जाए। पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुनः फिर से कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी लिस्ट हमने मंगाई है सैलाकुई में, शिवनगर बस्ती, अकबरपुर कॉलोनी कोई है, और इस तरह सहसपुर में चोर बस्ती, सहसपुर, चोरखाला, लक्ष्मीपुर, शंकरपुर, इस तरह के इलाके में बताया गया कि दसों वाला काफ़ी इस तरह के अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं। विकासनगर की बात करें तो डाक पत्थर पैराज से पुल नंबर 1 तक काफ़ी सारे लोग छुटपुट बसते जा रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है कि पुलिस के लिए इसलिए दिक्कत आती है कि सभी का सत्यापन करना और एक परिवार में या 10 परिवार में कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं थोड़ा सा टफ होता है। अभी जैसे बताया खादर बस्ती में कूड़ा ट्रेंचिंग के पास भी कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण है, कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात भी पता चली जहां पर पिछली बार नोटिस दिया गया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, इसीलिए राजस्व के लोग भी है और पुलिस टीम भी है। तो जो भी विभाग रहेगा आज उसका भौतिक निरीक्षण करके उसमें संबंधित विभाग को लिखेंगे कि कम से कम ऐसे अवैध अतिक्रमण वालों को हटाया जाए, चाहे धार्मिक हो चाहे लीगल किसी भी सरकारी भूमि पर हो। साथ ही साथ आपका पॉइंट सही है कि हमारा चूंकि ये आपका एरिया पछवा दून का सहारनपुर और अन्य इधर प्रदेश से लगता है तो मूवमेंट काफ़ी रहता है लोगों का, टूरिस्ट के रूप में भी रहता है, और साथ ही साथ देखा कि बहुत लोग की शादियां आपस के गांव में इंटरचेंज होकर होती हैं और शादियों के कारण क्या होता है लोगों के संबंध यहां जुड़ जाते हैं, सहारनपुर हो चाहे अन्य जगहों से है, तो वहां से के लोग आके यहां पर कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि खाली भूमि है और इस तरह का अतिक्रमण है तो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो भी बस जाए। तो इन सब चीज़ पे लगातार सरकार के लेवल पर आपने देखा होगा लगातार इसमें कार्रवाई भी चल रही है, अवैध जो अतिक्रमण तोड़े गए हैं इस पछवा दून में, खासकर विगत 1-2 सालों से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का अवैध इंक्रोचमेंट हुआ, टूटे भी हैं लेकिन फिर उसी हिसाब से पेज से बढ़ गया है। तो आज ये निरीक्षण के बाद अभी इन स्पॉट्स का निरीक्षण करके बाद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे अतिक्रमणकारी जो सरकारी भूमि जिस भी विभाग की है वो आ गया है और उसको हम लोग मिलकर सभी लोग उसको हटाएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज विकासनगर थाने का निरीक्षण करते हुए देश में लागू हुए नए कानून को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मालखाने, मैस और ये मेस की बात हो रही है, मैस है, थाना है और उस पर
खड़े हुए जो वाहन हैं, पंजीकरण रजिस्टर के साथ साथ अन्य रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नए कानून को लेकर अब नए रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। निरीक्षण से पूर्व विकासनगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सलामी दी। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाध्यक्ष भास्कर शाह विकासनगर कोतवाली और निरीक्षक राजेश साहब भी वहां मौजूद रहे। किसी विभाग की भूमि है तो उस विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस्तियां बस रही हैं, तो उसको तत्काल पुलिस फोर्स ले उनको नोटिस दे और उसको हटा दिया जाए। पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुनः फिर से कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी लिस्ट हमने मंगाई है, सेलाकोई में, शिवनगर बस्ती, अकबरपुर कॉलोनी कोई है, और इस तरह सहसपुर में चोर बस्ती, सहसपुर, चोरखाला, लक्ष्मीपुर, शंकरपुर, इस तरह के इलाके में बताया गया कि जसों वाला काफ़ी इस तरह के अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं। विकासनगर की बात करें तो डाक पत्थर, पैराज से पुल नंबर एक तक काफ़ी सारे लोग छुटपुट बसते जा रहे हैं। और आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं और इसी में सोमवार को डीएम की जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित अन्य घरेलू विवाद से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी ने मौके पर ही कर दिया, लेकिन ऐसी कई शिकायतें हैं जिनका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मामलों पर गंभीरता से कार्यवाही करते हुए आम जनता को राहत दी जाए। 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें से कोशिश की गई कि मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके, इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमिजिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की के जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी एनक्रोचमेंट की, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिली हैं और यही प्रयास है कि ये जो हमारा कनेक्ट है विद पब्लिक, चाहे आज का जनता दर्शन हो या हमारे फील्ड विजिट्स हों या बहुउद्देशीय कैंप्स हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये जारी रहेगा। तो साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है और इसी में देहरादून में यहां खाते साफ करने के बहुत से मामले देखे गए हैं, जिससे बचने के लिए अंकुश मिश्रा डीएसपी साइबर क्राइम ने बताया कि किसी भी अनजान कॉल के आने पर लालच में ना आए, अनजान कॉलर की जो सत्यता है उसकी जांच करें, बिना किसी भी प्रकार की सूचना या दस्तावेज ना दें और शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत जरूर करें। और आपने बहुत अहम सवाल किया कि डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहां तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। अब आपके सभी दर्शकों के लिए जागरूकता है तो बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के अपराध में अमूमन देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से उसे कॉन्टैक्ट किया जाता है, उससे दोस्ती की जाती है, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, उन ग्रुप्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल दिए जाते हैं, उन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक मॉडल होता है कि जहां पे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक सीबीआई ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ईडी ऑफिस, कोई भी सरकारी जो एक एजेंसीज होती हैं उनका एक फेक ऑफिस बना रहता है और सामने वाले जो कर्मचारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं और फिर वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ एक वारंट निकला है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको उन्होंने एक अमूमन शब्द बोला है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है।
9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले भारत और बांग्लादेश क्रिकेट मैच के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को जूना अखाड़े के ही महामंडलेश्वर अति निरसहानंद गिरी ने ही यहां मैच के विरोध में सांकेतिक धरना देकर इसकी शुरुआत की और मंदिर परिसर में यति ने यहां बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक तरफ वहां हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी जा रही और दूसरी तरफ हम लोग उसी देश के साथ मैच खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में यहां आप देखिए स्वरूप, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है, इसे रोकने की मांग की गई है। परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष ने यहां यति नरसिंहानंद गिरी की ही इस मांग को जायज बताकर इसका समर्थन भी किया। गंगा जी के प्रांगण से आज पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद जी आए, इनका आगमन स्वागत किया है। 9 अक्टूबर को जो बांग्लादेश का भारत के साथ मैच है ये रोकने का प्रयास और ये मैच होने देंगे, अब संतों की हुंकार है और ये देवभूमि हरिद्वार से है। हरिद्वार की हुंकार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होती है। अब ली है लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किस तरह के किस हद तक जाओगे आप? जितनी हद तक जाएंगे वो आपको स्वयं दिखाई देगा, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रणनीति से पूरा काम होगा। जो होगा वो संभव इस मैच को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और जहां तक होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संभव है, हम सब कुछ करेंगे। ऐलान किया है, क्या ऐलान है और उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए ऐलान तो हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली में बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, हमारा केवल ये ऐलान, और कोई ऐलान है नहीं हमारा। हमारा तो केवल इतना ही ऐलान है कि बांग्लादेश का और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने अभी हमारे लाखों भाइयों को मार दिया, हमारी बहन बेटियों की दुर्गति की, और जहां बांग्लादेश है वहां दुर्गा पूजा के लिए मना कर दिया कि नवरात्र में कोई दुर्गा पूजा नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो ये अपमानजनक और ये अन्यायपूर्ण व्यवहार हिंदुओं के साथ किया जा रहा है इसका हर स्थिति में विरोध करना चाहिए। और ये तो अपमान की भी पराकाष्ठा है कि हम उन कातिलों के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। किस हद तक जाएंगे? हर हद तक जाएंगे फिर भी, और अगर नहीं रोक सके तो माँ और महादेव की कृपा रही तो आपके सामने अग्नि समाधि लेंगे, अगर इस मैच को नहीं रोक सके तो अग्नि समाधि लेंगे। उधम सिंह नगर के ही यहाँ पथरामपुर रेंज में वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर देर शाम वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान एक शिकारी को 2 किलो प्रतिबंधित वन्यजीव मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसके बाद डीएफओ तराई द्वारा आरोपी को जेल भेजने के लिए कहा गया। अब उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आप देखिए आरोपी के खिलाफ किस तरह से अब सख्त कार्यवाही होगी। जैसे ही हमारे स्टाफ जो राउंड में था, हम लोग भी अभी राउंड में थे, तो हमारे स्टाफ द्वारा जो है अपना जंगल गश्त में था, तो उस समय जो 2 लोग बाइक में आते हुए दिखाई दिए, बाइक में आते हुए स्टाफ को देखते हुए उसमें से जो है एक आदमी फरार हो गया और मतलब थैला फेंकते हुए, तो बाद में दूसरे आदमी को जब अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने पर जो और जो थैला था उसको देखने पर पता चला तो उसमें मांस पड़ा हुआ जंगली मतलब कोई भी था जंगली वन्यजीव का, तो बाद में पता चला कि वो जो है तुम्हारे नाम के किसी मलकीत सिंह के घर से लेके आ रहा था, तो सूचना पे हमारे द्वारा तुरंत जो उसको जो अरेस्ट किया हुआ आदमी था उसको तुरंत लेके हमारे द्वारा मलकीत सिंह के घर भी जाया गया। वहाँ पर जो भी हमने उनके जो किचन में बर्तन वर्तन से तलाशी भी की तो उसमें जो भी वहाँ पर उनके घर पर भी बना हुआ पका हुआ मांस मिला कुछ बर्तनों में लगा हुआ, तो हमने वो भी अरेस्ट किए मतलब जब्त किए गए हैं सामान इससे हमारे। और एक जो जिसके जरिए खरीद के लाया था एक लड़का और इसने बताया था उसको भी हमने अभी अरेस्टिंग के लिए लेके आए। उसमें इसमें जो भी हमारे अभी तो डीओ साहब जो भी हमारे इसमें उन्होंने जेल भेजने के लिए कार्रवाई के लिए बोला है, अभी जैसे भी उच्च अधिकारी को हमारे आदेश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो लक्सर से ही क्या बसेड़ी खादर गांव में मनरेगा में धांधली का एक और नया मामला देखा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा तालाब की जमीन पर सड़क बनाकर पैसा निकाल लिया गया है। उनका कहना है कि खेतों में बिछाई जाने वाली सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी पलीता लगा दिया गया है और आज के समय में जहाँ कई फुट पानी भरा है वहां पर कार्य दिखाकर पैसा निकाला गया है, जिसके लिए लक्सर विकासखंड अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार तक शिकायत कर दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती तो वे लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मैं पहले भी एक दो बार यहाँ शिकायत करके आया, सीडीओ मैडम के यहाँ शिकायत करके आया, डीएम साहब के यहाँ भी कराया, बीडीओ साहब के यहाँ भी कराया। हमारे गांव में
जो मनरेगा उसका कतिक धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। और तो और इसमें हमारे गांव के जो आज की तारीख में फखरुद्दीन के नाम की आईडी लग रही है, फखरुद्दीन हमारे गांव के प्रधान जी हैं, वो आज के टाइम में पाइप बिछा रहे हैं, गांव मजदूरी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इन्होंने पाइप लाइन पर आज मजदूरी दिखा रखी वहाँ आज की तारीख में पानी भरा खड़ा। एक लिखा उन्होंने फलाने खेत तो वहाँ तक खेत तक जो भी है सब आईडी लिखा लगा रखी है, कोई हमारे गाँव में आज की तारीख में काम नहीं चल रहा। एक दो तीन ने सड़क पर काम दिखाया आज की तारीख में, हमारे गाँव में कोई सड़क पर काम नहीं चल रहा, जीरो होकर हमारे गाँव में कोई काम नहीं चल रहा आज की तारीख में। और 177 की मजदूरी आज निकाल रखी फिलहाल मजदूरी फिलहाल इन्होंने हाजिरी भरी, और अंदर बैठा जिसने हाजिरी भरी वो ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं, वो तो कमरुद्दीन का एक चचेरी का लड़का भरता है हाजिरी, मुझे पता ही नहीं भाई तुमने आईडी क्यों दे रखी, उसको जिम्मेदार तुम हो, तुमने आईडी कैसे दे रखी, अगर वो कमरुद्दीन का चचेरी का लड़का जी वो भर मेरी आईडी पर हाजिरी एकदम मेरे यहाँ होगा। मैं आज नोटिस देने के लिए आया था, अभी हमारी किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ रोड की, जिस दिन वहाँ समापन हो जाए मीटर को लेकर ज्वाइंट चल रहा है, जिस दिन वहाँ समापन हो जाएगा मैं तुरंत यहाँ पर हंगामा करूंगा, हड़ताल करूंगा, भूख हड़ताल बैठूंगा, और जोर पड़ते सीडो मैडम के यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी जाकर भूख हड़ताल। आपने पहले मुझे आश्वासन दिया था मैं जांच करूंगा, मैं एक दिन बात करी इन्होंने कहा मैं कमेटी गठित कर दी, कोई कमेटी आज तक गठित किसी ने जांच वांच नहीं करी। और तो और हमारे गाँव में जहाँ तालाब जहाँ एडीएम साहब महोदय के द्वारा और प्रधान के द्वारा तालाब पे 122 भी चलाई गई और समाज कल्याण है तो उसमें प्राप्त हुई थी, आज नहीं उनके द्वारा एक सबूत पेश किया गया कि गांव में एनएमएस नहीं हो रहा है जो बहुत खेदजनक विषय है। मैंने तुरंत संज्ञान लिया, जिसे मेरे संज्ञान में आया मैंने वहां के एनएमएस बंद करवा दी, और कल इसको हम जांच मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे, जो खिलाफ जिसे खिलाफ पाया जाएगा दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान की जगह जाँच का विषय है उसमें आप जाकर उसमें जाँच करवाई जा सकती है कि भाई साइन होगा। लक्सर में नगरपालिका शासन और केबी इंटर कॉलेज द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया गया है, और स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में केबी इंटर कॉलेज के ही छात्र छात्राओं ने लक्सर उपजिलाधिकारी और लक्सर नगरपालिका प्रशासन ने भाग लिया है। उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और स्वच्छता से होने वाले लाभ के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान लक्सर नगरपालिका कर्मचारी अधिकारी और केबी इंटर जो कॉलेज है इसके समस्त छात्र छात्राएं भी वहाँ मौजूद रहे। नगर पालिका जो लक्सर है उनके तत्वाधान में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 2024 में हमारा जो ये स्वच्छता ही सेवा है जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, 10 साल इसके पूरे भी हो रहे हैं, और भारत सरकार की गाइडलाइन भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी है कि हमारा देश भी स्वच्छ हो, हम भी गंदगी के प्रति हम भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, तो उसी के तत्वाधान में 17 सितंबर से ये हमारा स्पेशल जो पखवाड़ा है जो विशेष पखवाड़ा है चल रहा है, और ये 2 अक्टूबर तक हमारा ये पखवाड़ा चलेगा, जिसमें इस बीच हमने कई जगह जो गंदे स्पॉट थे वहाँ भी सफाई करवाई, वहाँ स्पेशल हमने एक ड्राइव चलवाई प्रत्येक नगर पालिकाओं में, प्रत्येक नगर पंचायतों में, प्रत्येक नगर निगमों में, तो यहाँ पर भी हमने ड्राइव चलाई थी, हमने अपने तहसील में भी ड्राइव चलाई थी, और 2 अक्टूबर को ये हमारा कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। 17 सितंबर से जो प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलना है, इसकी जो मुख्य थीम है ये इस बार ये है कि संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता। जैसे कि सभी लोगों का ये है कि हम अपने घरों में एक हमारा एक स्वभाव बना है कि हम जो भी कूड़ा होता है उसको एक नियत स्थान पर रखते हैं या डस्टबिन में रखते हैं। इस थीम से भी यही है कि हमारे एक स्वभाव में ये होना चाहिए कि जो हम सार्वजनिक स्थानों, रेलवे, फुटपाथों और पे जो कूड़ा कर रहे हैं उसको हम नियत स्थान, डस्टबिन या फिर शादियों में डालें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए जी की 24/7 न्यूज के साथ।